हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर MJO यानी कि मेक जॉक ऑफ की यहाँ पर वीडियो को लेकर फ्रेंड्स आप इनके कुछ इस तरीके की वीडियो को लेकर अपने चैनल पर अपलोड करके यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखो, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ट्रिक्स को बताने वाला हूँ जिससे कि दोस्तों आप यहाँ पर मेक जॉक ऑफ के यहाँ पर ऑफिशियल चैनल से कुछ इस तरीके की वीडियो को लेकर फ्रेंड्स आप अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करके फ्रेंड्स आप अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर सकते हो और फ्रेंड्स आप अपने चैनल से अर्निंग भी कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जिस ट्रिक को बताने वाला हूँ फ्रेंड्स उस ट्रिक से फ्रेंड्स अपने चैनल पर इनके वीडियो को अपलोड करेंगे तो दोस्तों ये चैनल ना ही कभी आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स देगा और ना ही आपके चैनल पर कभी स्ट्राइक देगा। तो दोस्तों आखिर किस तरीके से आपको यहाँ पर इनके वीडियो को अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इनके वीडियो को आपको यहाँ पर डायरेक्ट फ्रेंड्स आपको लेकर अपने चैनल पर अपलोड नहीं करना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत से लोग अगर वो अपने चैनल पर अपलोड भी करते हैं तो दोस्तों यहाँ से वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मतलब अपने चैनल पर यहाँ पर डायरेक्ट इनके चैनल से लेते हैं और फ्रेंड्स अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं। दोस्तों आपको इस तरीके से नहीं करना है फ्रेंड्स, बल्कि आपको इसमें अपनी तरफ से यहाँ पर कुछ एडिटिंग भी करना है, तभी दोस्तों आपका जो वीडियो है फ्रेंड्स वो डिलीट होने से बचेगा। तो दोस्तों आपको किस तरीके से इसमें एडिट करके फ्रेंड्स आपको अपने चैनल पर अपलोड करना है, इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ सीधे अपने काइनमास्टर एप्लीकेशन में और फ्रेंड्स वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पर इनके वीडियो को लेकर फ्रेंड्स एडिट करके अपने चैनल पर अपलोड करना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पर किसी भी एक वीडियो को आप यहाँ पर अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको किस तरीके से एडिट करना है चलिए मैं आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन में बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधे काइनमास्टर एप्लीकेशन में। दोस्तों यहाँ पर मेक जॉक ऑफ की वीडियो को एडिट करने के लिए अपने फोन में यहाँ पर सिंपल सा काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद जैसे आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिंपल सा न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा एक्सपेक्टेड रेशियो को चूज करने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आपको यूट्यूब के रेशियो को चूज करना है यानी कि 16:9 को इस पर सेलेक्ट करना है। और दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे क्रिएट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ नीचे क्रिएट पर क्लिक करेंगे दोस्तों आपके यहाँ पर काइनमास्टर में यहाँ पर इसका मीडिया ब्राउजर कुछ इस तरीके से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मीडिया ब्राउजर में आपको उस वीडियो को लेना है जिसको कि दोस्तों आपको यहाँ पर एडिट करना है। तो मैं यहाँ पर मेक जॉक ऑफ की वीडियो को डाउनलोड कर लिया हूँ। दोस्तों आप भी डाउनलोड किए होंगे फ्रेंड्स, आपको उस वीडियो को यहाँ पर सिंपल सा टाइमलाइन में आपको यहाँ पर इसको यहाँ पर इंसर्ट कर लेना है। दोस्तों जैसे आप यहाँ पर इसके वीडियो को यहाँ पर टाइमलाइन में ले लेंगे दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से इसका यहाँ पर वीडियो आ जाएगा। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर करना है एडिटिंग। दोस्तों आपको किस तरीके से करना है यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वीडियो स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर चाहे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर शुरुआत में यहाँ पर आप इंट्रो को लगा सकते हो यानी कि अपने हिसाब से आप कोई भी इंट्रो बनाए होंगे फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप यहाँ पर लगा सकते हो अपने हिसाब से। नहीं दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसको यहाँ पर स्किप कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर इसको स्किप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर इंट्रो लगा देंगे दोस्तों यहाँ पर ये वीडियो मतलब आपके हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा यानी कि मतलब यहाँ पर सेम टू सेम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे जरूरी चीज़ फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपको इनके यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वीडियो बाय मेक जॉक ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पर अपने हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पर सेम टू सेम यहाँ पर आपको मेक जॉक ऑफ नहीं लिखना है, बल्कि आपको अपने हिसाब से मतलब कुछ अलग तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसके यानी कि इसके नाम को आपको यहाँ पर देना है। दोस्तों आपको यहाँ पर मेक जॉक ऑफ की वीडियो है लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ आपको अपने चैनल का आपके नाम को दे देना है यानी कि मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि वीडियो बाय यहाँ पर मेक जॉक ऑफ लिखा है ना। दोस्तों आपको यहाँ पर अपने चैनल के यानी कि यहाँ पर आपको लिख देना है, आपको अपने चैनल के नाम को लिख देना है यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है वीडियो बाई यहाँ पर मान लीजिए कि मैं अपने चैनल के नाम को लिख देता हूँ MURALI कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लिख देना है। और इसको लिखने के बाद से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए इसके फ़ॉन्ट को आपको यहाँ पर चेंज करना है। दोस्तों आपको यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट को कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको बहुत सारा यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर किसी भी एक फ़ॉन्ट को आपको यहाँ पर लेना है और यहाँ पर आपको लेने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको इसके कलर को भी आपको यहाँ पर चेंज कर लेना है। लेकिन दोस्तों उसके पहले आपको यहाँ पर बैकग्राउंड को आपको चेंज करना है, तभी दोस्तों यहाँ पर ये ढकेगा। नहीं दोस्तों यहाँ पर आप लगा भी देंगे तो भी दोस्तों यहाँ पर उसका पीछे का जो वाटरमार्क है फ्रेंड्स वो यहाँ पर दिखेगा। तो दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पर सिंपल करना है, आपको यहाँ पर एक ब्लैक यहाँ पर बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर ले लेना है। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड को आपको यहाँ पर ले लेना है। और इसको लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आप चाहे तो आप इसके यहाँ पर इसके कलर को आप यहाँ पर व्हाइट में ही रख सकते हैं, नहीं दोस्तों आप यहाँ पर किसी और कलर को आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एडिट कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप इसके यहाँ पर इसके वाटरमार्क को आप यहाँ पर छुपा दीजिए। दोस्तों आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर वाटरमार्क को इसके छुपा देना है। यहाँ पर आपको इसको अच्छे से कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो पाए। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अपने हिसाब से आपको यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं इसको
इसी तरह यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहाँ पर करके आपको इसको पूरे वीडियो में इसको कवर कर देना है। यहाँ पर मैं इसके यहाँ पर आपको इसको खींच कर पूरे वीडियो में यहाँ पर जितना वीडियो का लेंथ है फ्रेंड्स आपको इसको पूरे वीडियो में इसको कवर कर देना है। दोस्तों इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर देख सकते हो कि मतलब उसका यहाँ पर वाटरमार्क नहीं आएगा, यानी कि मतलब ये नहीं लगेगा कि मतलब आपने उसके मतलब चैनल से यहाँ पर इसके इस वीडियो को डाउनलोड किए हो। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपने हिसाब से फ्रेंड्स आपको अपने चैनल के नाम के हिसाब से यानी कि आपको यहाँ पर सेम मतलब जैसा वहाँ उसका नाम है फ्रेंड्स मेक जोक ऑफ फ्रेंड्स, आपको उस तरीके से नहीं लिखना है, बल्कि आपको यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ नया यहाँ पर आपको नाम को सोच कर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर वही आपको यहाँ पर वाटरमार्क को भी देना है और फ्रेंड्स आपको अपने चैनल के नाम को भी रखना है। दोस्तों कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको पूरे वीडियो में आपको यहाँ पर एडिट कर लेना, आपको पूरे वीडियो में इसको खींच कर आपको इसको बड़ा कर लेना है। और भी दोस्तों आप यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर लोगो लगा सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप अपने चैनल के लोगो को भी लगा सकते हो, और भी यहाँ पर आप इसमें कुछ और भी क्रिएटिविटी आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो दोस्तों आप यहाँ पर कर सकते हो। और दोस्तों इसके बाद से आप यहाँ पर चाहे तो आप कोई यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक को भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, ताकि यहाँ पर बैकग्राउंड में फ्रेंड्स यहाँ पर कोई म्यूजिक चलता रहेगा दोस्तों यहाँ पर, और सेम टू सेम मतलब वीडियो नहीं लगेगा, यानी कि यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक चलेगा दोस्तों यहाँ पर ये लगेगा कि हाँ मतलब मतलब सेम टू सेम वीडियो नहीं है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक बैकग्राउंड म्यूजिक को अभी यहाँ पर आपको लगा लेना है, इसके यहाँ पर आपको वॉल्यूम को आपको यहाँ पर इसको लो पर कर देना है, इसको कम कर देना है, यहाँ पर आप इसको 15 पर कर सकते हो। ओके यहाँ पर आपको इतना कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपका यहाँ पर वीडियो एडिट हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप यहाँ पर चाहे तो आप इसके यहाँ पर जो इसका एंड है जो इसका एंड वाला पार्ट है फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर भी मतलब इसका यहाँ पर आउटरो आ रहा है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपल सा क्या करना है कि दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हो कि जहाँ से ये वीडियो खत्म हो रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पर इसको इस पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर कैंची का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देना है। आपको यहाँ पर ट्रिम टू राइट करके फिर आपको इस वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। यहाँ से आप इस म्यूजिक को भी मतलब एक्स्ट्रा म्यूजिक ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, आपको इसको भी ट्रिम टू राइट कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका ये वीडियो एडिट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर वाटरमार्क है, तो दोस्तों इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको बोला कि फ्रेंड्स आपको उसको खींच कर पूरे वीडियो में आपको यहाँ पर कवर कर देना है जो आपने यहाँ पर अपना वाटरमार्क बनाया हुआ है। दोस्तों आपको इसको पूरे वीडियो में आपको इसको कवर कर देना है, ताकि पूरे वीडियो में ये वाटरमार्क दिखे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो उसका ऑफिशियल चैनल है फ्रेंड्स, आप जिस चैनल से इस वीडियो को लिए हो फ्रेंड्स, उसका वाटरमार्क यहाँ पर नहीं दिखना चाहिए, नहीं दोस्तों वो आपके वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स और आपके चैनल पर स्ट्राइक दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो दिख जाएगा कि उसका वीडियो लिया गया है। तो आपको यहाँ पर अपने हिसाब से इसमें कुछ अच्छा से क्रिएटिविटी आपको यहाँ पर करके फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अच्छे से एडिट करके अपने चैनल पर आप यहाँ पर अपलोड करना है दोस्तों। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसको एडिट कर लेना है, और इसको यहाँ पर एडिट करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वीडियो आ जाएगा। और फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर सिंपल सा एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इसके रेजुलेशन को यहाँ पर 1080 यहाँ पर इसको फुल HD पर इसको रखना है, और इसके फ्रेम रेट को यहाँ पर 13 पर रखना है, और बाकी यहाँ पर इसके बिट रेट को आप यहाँ पर अपने हिसाब से जितना MB का आप यहाँ पर रखना चाहते हो दोस्तों आप यहाँ पर रख सकते हो। और आपको यहाँ पर सिंपल सा सेव एज वीडियो पर क्लिक करना है, और इसको अपने फ़ोन की गैलरी में सेव कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से ये आपका वीडियो आपके फ़ोन की गैलरी में सेव हो जाएगा। अब दोस्तों आप चाहे आप अपने YouTube में जाकर फ्रेंड्स आप अपने चैनल पर इसको अपलोड कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस तरीके से फ्रेंड्स आप इनकी वीडियो को लेकर फ्रेंड्स अपने चैनल पर कॉपी पेस्ट करके अपलोड करेंगे तो दोस्तों आपके जो वीडियो है फ्रेंड्स वो कभी भी डिलीट नहीं होगा, और फ्रेंड्स आपका चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा, और फ्रेंड्स इस तरीके से आप यूट्यूब से अर्निंग भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आओ तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लिए, ताकि मेरे आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।